स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं AFP टेस्ट के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है अल्फा फीटोप्रोटीन। अब यहाँ पे ये टेस्ट क्या है, कब करवाया जाता है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो क्या मतलब निकलता है, वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं। हो सके तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। फीटोप्रोटीन दोस्तों ये एक ऐसा टेस्ट है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यहाँ पे आसान भाषा में बात की जाए तो पहले 3 महीने जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तब ये टेस्ट डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। फर्स्ट 3 मंथ में काफी ज्यादा टेस्ट करवाया जाता है, HCG, ड्यूअल मार्कर, ये भी एक उनमें से एक टेस्ट है। इसका नाम है AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन। हमने ड्यूअल मार्कर के बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देखना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगी। यहाँ पे आज डिटेल में बात करेंगे AFP के बारे में, अल्फा फीटो प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे वीडियो को मैं आगे ले जाऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूंगा। अगर आप मेडिकल गुरु चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार चैनल पे देख रहे हो तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे प्रेस करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। ऐसे वीडियोस के साथ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में आता हूं। आज डेडिकेटेड हमारा टॉपिक है अल्फा फीटो प्रोटीन। अगर मैं मेरा या फिर कोई नॉन प्रेग्नेंट वुमन का अगर टेस्ट करवाता हूं या कोई बच्चे का ये टेस्ट करवाता हूं अल्फा फीटोप्रोटीन, तो सब में उसकी वैल्यू आएगी 0 क्योंकि हमारे बॉडी में वो सब्सटेंस ही नहीं है। लेकिन ये टेस्ट जब प्रेग्नेंट वुमन पे होता है तो इसकी वैल्यू थोड़ी आती है, जो बहुत ही लो होती है लेकिन वो वैल्यू होती है। बेसिकली जो AFP है अल्फा फीटोप्रोटीन, वो बच्चे के अंदर लीवर में जनरेट होता है, उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। बच्चे के अंदर लीवर में ये जनरेट होता है और फिर मदर के ब्लड में वो सर्कुलेट होता है, तो ये चेक किया जाता है कि उसकी वैल्यू है कितनी, जिसके बेसिस पे पता चल सकता है कि बेबी में कोई डिसऑर्डर है या नहीं। अब उससे क्या पता चलता है वो मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एक डॉक्टर आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। यहाँ पे मेरा काम ये है, मैं आपको बताऊंगा टेस्ट क्यों करवाया जाता है, कैसे होता है, क्या पता चल सकता है। अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे कंफर्म कोई भी टेस्ट अब तक मैंने नहीं देखा बता पाए। ड्यूअल मार्कर एक ऐसा टेस्ट है जिससे पता चल सकता है कि बेबी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अब लेकिन ऐसे भी केसेस है जिसमें ड्यूअल मार्कर पॉजिटिव था लेकिन फिर भी बेबी की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, अभी हेल्दी लाइफ जी रहे, तो ये डिफिकल्ट होता है। अगर मैं मेरा ही बात करूं तो जब मेरी वाइफ का ड्यूअल मार्कर टेस्ट हुआ था तो वो पहले पॉजिटिव आया, लेकिन मैंने जब रिपोर्ट को ध्यान से देखा तब पता चला कि ये जो रिपोर्ट बनाया है उसमें जो USG की डेट कंसिडर की है वो 1 महीने पहले की है, तो जो डेटा उसको मिला था वो गलत था। तो यहाँ पे काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता भी है तो उसका ये मतलब नहीं निकलता है कि भाई प्रॉब्लम होगा ही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है आगे फर्दर डायग्नोसिस टेस्ट भी करवाने पड़ सकते हैं। तो अल्फा फीटोप्रोटीन आसान भाषा में बात की जाए तो जो बच्चा पेट के अंदर है, वॉर्म के अंदर है, उसके लीवर में जनरेट होता है, जो छोटी सी मतलब कम वैल्यू में होना चाहिए, अगर वैल्यू बढ़ती है तो बेबी को प्रॉब्लम जो है उससे हो सकती है, कोई प्रॉब्लम उसको हो सकती है जो आगे फर्दर डायग्नोस करनी पड़ सकती है। रिस्क की बात की जाए तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है क्योंकि जो ब्लड सैंपल लिया जाता है वो मदर से लिया जाता है, बेबी से लिया नहीं जाता है। ये जो है वो प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट वाला टेस्ट नहीं है, ये मदर का टेस्ट है, बेबी पर ये टेस्ट नहीं होता है, तो ये सेफ है, इसमें कोई रिस्क भी नहीं होता। टाइमिंग आपको 2-3 घंटे में उसका रिपोर्ट जो है वो मिल जाता है। तो आशा रखता हूँ आज जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको अल्फा फीटोप्रोटीन के बारे में दी वो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है, अगर मेरा काम आप पसंद कर रहे हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे। अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को पसंद कर रहे हो तो लाइक कर दो, और ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। ऐसे वीडियोस के साथ अभी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे से मुलाकात होती रहेगी। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।